बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रजा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH 507, लेक्चर नंबर 29 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नेम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये आपके कोर्स आउटलाइन का ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे प्रीवियस हमने ग्रीन थ्योरम किया, स्टॉक्स थ्योरम किया, ठीक है, और आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपके आउटलाइन वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट नेम डिस्कस किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये एग्जाम में अक्सर ऐसे पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यानी कि इसके लिए आपको स्टेटमेंट और इसका जो प्रूफ होगा वो आपने ओरली हर चीज़ को मेंशनलाइज करना होता है, ठीक है। तो चलते हैं आरटीओ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेटमेंट है इसकी, द सरफेस इंटेग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैपिटल ए वेक्टर ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द इंटेग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए taken over the volume V and enclosed by the surface, और जो इसका enclosed surface होगा वो कुछ इस sense में होगा। statement की तरह जरा गौर कर लेते हैं आज के students। कहते हैं कि the surface integral of the normal component of vector A, जो surface integral जिसमें double integral use हो रहे होते हैं, वो A vector के लिहाज से एक closed surface है, यानी कि उसमें normal component होगा n hat। एन हैड के लिहाज से वो नॉर्मल कंपोनेंट ए वेक्टर के साथ वो डॉट प्रोडक्ट में ज्वाइन है और वो इक्वल है, इज इक्वल टू द इंटेग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। और वो इक्वल किसके है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इट्स मीन डेल डॉट ए वेक्टर। डाइवर्जेंस आप जानते हैं, कोई भी डेल ऑपरेटर के लिहाज से वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो, इट्स मीन डाइवर्जेंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर कर्ल की बात कर रहा होता तो डेल क्रॉस ए होता, ठीक है ना। तो यहां पर डाइवर्जेंस की बात हो रही है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर टेकन ओवर द वॉल्यूम वी, और वो वॉल्यूम वी के लिहाज से अटैच्ड। अगर वॉल्यूम वी से अटैच्ड है, इट्स मीन वो वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेगा, और वॉल्यूम इंटीग्रल आप सभी जानते हैं उसमें ट्रिपल इंटीग्रल यूज हो जाता है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर भी है, इट्स मीन कि वो डेल डॉट ए वेक्टर है और उसका वॉल्यूम वी के साथ रिलेशंस है। वॉल्यूम वी मीन ट्रिपल इंटीग्रल वी, यानी कि उसमें वॉल्यूम का यानी कि इंटीग्रल ट्रिपल फॉर्म में अटैच्ड होगा और डाइवर्जेंस ए होगा, यानी डेल डॉट ए वेक्टर होगा, ठीक है ना। वो हम यहाँ पर देखते हैं क्लोज सरफेस क्लास से किस अंदाज में है। तो ये सरफेस इंटीग्रल है, इट्स मीन डबल इंटीग्रल यूज होगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एस, और वो वेक्टर क्या है, ए वेक्टर डॉट एन हैट इंटू डी एस, और वो इक्वल है ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम वी। जब भी वॉल्यूम वी आए, इट्स मीन आपने उसमें ट्रिपल इंटीग्रल को इंट्रोड्यूस करवाना है। और डेल ऑपरेटर के लिहाज से ए वेक्टर का है डाइवर्जेंस, इट्स मीन डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर इंटू डी वी। ये हम इसे कोई नेम असाइन करने लगे हैं, तो हमने इसे कोई नेम असाइन कर दिया, कोई नंबर स्टेरिक। अब ये जो हमारा ये रिलेशन है जो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम एक अनदर शेप में भी राइट कर सकते हैं। वी कैन आल्सो राइट इट एज, ये जो इस तरह की फॉर्म है इसी सेंस को हम कुछ इस अंदाज में भी राइट कर सकते हैं, डबल इंटीग्रल, यानी कि ये डबल इंटीग्रल एस है, ए वन कॉज ऑफ एल्फा प्लस ए टू कॉज ऑफ बीटा प्लस ए थ्री कॉज ऑफ गैमा इंटू डी एस। अब यहाँ पर जो कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गैमा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, ठीक है, आप इस बात को इस सेंस में भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी ट्रिक होती है, सेंस होती है, आपने इस फॉर्म में राइट करना है। ऑनवर्ड हमारा जो ट्रिपल इंटीग्रल वी के लिहाज से है, तो डेल डॉट ए प्रोडक्ट को जब आप ओपन करेंगे तो ये आते हैं पार्शल ए वन ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल ए टू ओवर पार्शल वाई प्लस पार्शल ए थ्री ओवर पार्शल जी इंटू डी वी, ठीक है। तो ये हमारे पास आल्सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की अनदर शेप है। आप इसको प्रूव कर लें या इस फॉर्म को प्रूव कर लें, एक ही बात है, दोनों पैटर्न से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव हो जाता है। बट मैं आपको ये जो मैंने इक्वेशन नंबर स्टेरिक कहा हुआ है, इक्वेशन नंबर स्टेरिक को मैं फुलफिल करवाऊंगा, और इक्वेशन नंबर स्टेरिक जो होगी अगर मैं इसे इस फॉर्म में
प्रूव करने में कामयाब हो जाता हूँ, तो इट्स मीन कि हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कम्प्लीटली वेरीफाइड हो जाएगा और फुलफिल्ड हो जाएगा। तो मैं इस बात को इंशाल्लाह कंप्लीट वेरीफाई करवाऊंगा आप सभी स्टूडेंट्स को, और आपको इजीली परफॉर्म करवाऊंगा कि ये आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किस अंदाज में टैकल होता है। तो आप इससे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो जो मुझे इजी पैटर्न लगा मैं आपको उस अंदाज में अंडरस्टैंड करवाने जा रहा हूँ। ये भी फॉर्म आप प्रूव कर सकते हैं या फिर ये भी फॉर्म प्रूव की जा सकती है, यानी दो पैटर्न आपको यहाँ पर राइट कर दिए हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये ज़्यादा इजी मेथड है जो क्वीन ऑफ स्टैरक ने राइट की हुई है, इसलिए मैंने आपको इस फॉर्म में कंप्लीट प्रूव करवाना है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट, प्रूव करते हैं इसका। लेट एस बी एनी सरफेस, एस हमारे पास एक सरफेस है जो कि इंक्लोज फॉर्म में है। आल्सो लेट एस वन इज द अपर सरफेस विच इज जी इक्वल है एफ वन इंटू एक्स कोमा वाई, ठीक है ना? यहाँ पर हमारे पास जो एस वन है ये हमारे पास अपर सरफेस का पार्ट है जो कि जी इक्वल एफ वन इंटू एक्स कोमा वाई है, और एस टू हमारे पास लोअर सरफेस है जो कि होगा विच इज जी इक्वल एफ टू इंटू एक्स कोमा वाई। यानी जब हम लिमिट की बात कर रहे होंगे उस डेफिनेट इंटीग्रल में एस वन हमारे पास अपर सरफेस की बात करेगा, इट्स मीन उसका अपर जो पोर्शन होगा वो एफ वन होगा, अपर जो लिमिट होती है, और जब एस टू की बात हो रही होगी वो लोअर सरफेस होगा और उसमें जो लोअर लिमिट होगी वो एफ टू होगी, यानी जी इक्वल एफ टू इंटू एक्स कोमा वाई। ऑनवर्ड हमारे पास इसमें होता है प्रोजेक्शन की बात। लेट कैपिटल आर इज द प्रोजेक्शन इन दी एक्स वाई प्लेन, जो आर है कैपिटल आर वो हमारे पास एक प्रोजेक्शन होगी एक्स वाई प्लेन की, क्योंकि वो हमारे पास 2D प्लेन में एग्जिस्टेबल होता है प्रोजेक्शन आर। हमने जितने भी क्वेश्चन प्रोजेक्शन के किए सरफेस इंटीग्रल में वो 2D प्लेन के लिहाज से लाई कर रहे होते थे, ठीक है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में या स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है? ऑनवर्ड हमारे पास है देन, अगर ये हमारे पास लेट आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ इन दी एक्स वाई प्लेन में अगर लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर आर एक्स वाई प्लेन में होगा तो हम पार्शियल डेरिवेटिव सी के लिहाज से फॉलो करेंगे। तो ट्रिपल इंटेग्रल एट वॉल्यूम बी ये होगा पार्शियल ए थ्री ओवर पार्शियल जी। तो पार्शियल डेरिवेटिव जी के लिहाज से जो वेक्टर होता है वो ए थ्री आता है, ठीक है? अगर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई होता तो फिर यहाँ पर ए टू आना था, अगर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो यहाँ पर ए वन आना था। होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा सभी स्टूडेंट ने। तो ये आप पार्शियल डेरिवेटिव के लिहाज से यहाँ पर वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डेरिवेटिव यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव जी के लिहाज से है, सो डैट्स इट, हम यहाँ पर ए थ्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ट्रिपल इंटेग्रल एट वॉल्यूम बी पार्शियल ए थ्री ओवर पार्शियल जी इंटू डी वी, और ये इक्वल होगा ट्रिपल इंटेग्रल एट बी पार्शियल ए थ्री ओवर पार्शियल जी, ये हमने एज इट इज राइट कर दिया हुआ है, और जो डी वी है वॉल्यूम का जो डेरिवेटिव है उसको मैंने ओपन किया हुआ है 3D प्लेन में, सॉरी 3D स्पेस में डी एक्स डी वाई एंड डी जी। फिर हम यहाँ पर जब प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन आप जानते हैं वो तो सरफेस इंटीग्रल पे लग रहा होता है, तो हमने ये जो डबल इंटीग्रल है यहाँ पे तो ट्रिपल इंटीग्रल था ना, मैं इस ट्रिपल इंटीग्रल को पीस वाइज करने लगा हूँ, यानी कि इसको स्प्लिट करने लगा हूँ। तो ये जो डबल इंटीग्रल है इसको आप प्रोजेक्शन कहेंगे, ये जो फर्स्ट जिसको मैं सर्कल आउट करके आपको बता रहा हूँ ये जो आर की इंटीग्रल फॉर्म में है ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल एट प्रोजेक्शन आर में है, और जो आपके पास जो ट्रिपल इंटीग्रल ये जो सिंगल फॉर्म में रह जाता है ये आपके पास जी की लिमिट में आ जाएगा। तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी जी इक्वल एफ टू होगा, एफ टू इंटू एक्स कोमा वाई, और जो आपके पास अपर लिमिट होगी जी इक्वल एफ वन इंटू एक्स कोमा वाई। जो एक्स कोमा वाई है वो आप स्किप कर सकते हैं, वो ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, जी इज इक्वल टू एफ वन ओनली लिख दें और जी इज इक्वल टू एफ टू ओनली लिख दें, जैसे मैंने राइट किया हुआ है आप एज इट इज राइट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये भी राइट कर ले तो कोई इशू नहीं है कि जी इज इक्वल टू एफ वन इंटू एक्स कोमा वाई, ठीक है? एफ वन इंटू एक्स कोमा वाई ऑलवेज इक्वल टू एफ वन, जी इज इक्वल टू एफ टू इंटू एक्स कोमा वाई एंड ऑल्सो एफ टू इज इक्वल टू एफ टू इंटू एक्स कोमा वाई, ठीक है? ये बात आप सभी माइंड में रखिएगा। और पार्शल ए थ्री ओवर पार्शल जी इंटू डी जी डी वाई डी एक्स, इसको मैंने रीअरेंज करके राइट कर दिया है, बिकॉज ये हमारे पास जो लिमिट्स हैं डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में ये जी के लिहाज से हैं, तो इसलिए मैंने डी जी पहले लिख दिया है और डी वाई डी एक्स बाद में लिख दिया है, क्योंकि वो हमारे पास प्रोजेक्शन की फॉर्म में है इसलिए मैंने बाद में लिख दिया हुआ है। अब आपने
जो जी की डेफिनेट इंटीग्रल जो लिमिट्स हैं पार्शियल डेरिवेटिव पे अप्लाई कर देंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से डेफिनेट इंटीग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा A3। और A3 हमारे पास किसके लिहाज से डिपेंडेंट होता है, एक्स कोमा वाई कोमा जी, यानी कि ये इसके फंक्शन में आ जाएंगे A3 इंटू एक्स कोमा वाई कोमा जी। और इसकी जो लिमिट्स हैं, अपर लिमिट है F1, लोअर लिमिट है F2, और डी वाई डी एक्स एज इट इज। फिर आपने क्या करना है, अपर लिमिट F1 जो z इज इक्वल टू F1 है, लोअर लिमिट आपके पास z इक्वल F2 है, आपने इस z की जगह अप्लाई कर देनी है। ये जो मैं आपको सर्कल आउट करके बता रहा हूँ, ये आपका यहाँ पर z होल्ड कर रहा है, इस z की जगह आपने अपर लिमिट F1 पुट करनी है, माइनस इस z की जगह आपने लोअर लिमिट F2 पुट करनी है। तो ये देखिए मैंने यही राइट किया हुआ है, ये हमारे पास डबल इंटीग्रल प्रोजेक्शन R पे है, तो अपर लिमिट जब आप F1 इस z की जगह पुट करेंगे, ये आएगा A3 इंटू एक्स कोमा वाई कोमा z की वैल्यू क्या लिखी हुई है F1 माइनस, अब लोअर लिमिट आपके पास क्या है F2, ये आप z की जगह पुट करेंगे, ये देखें माइनस A3 इंटू एक्स कोमा वाई कोमा z की वैल्यू आपने क्या राइट की हुई है F2, और डी वाई डी एक्स एज इट इज। फिर आपने डेफिनेट इंटीग्रल और जो इसका डिफरेंशियल है वो आप सेपरेट कर लें, तो डबल इंटीग्रल ए प्रोजेक्शन आर A3 इंटू एक्स कोमा वाई कोमा F1 इंटू डी वाई डी एक्स, ये हमारे पास यानी कि ये हमने ऐसे सेपरेट कर दिया हुआ है, सेपरेट कर लिया है, माइनस डबल इंटीग्रल प्रोजेक्शन आर, और इसके लिए हमने इस डी वाई डी एक्स को राइट कर दिया हुआ है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल को हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के साथ सेपरेट करके ऐसे राइट कर दिया है, तो ये सेपरेट करके हमने इसको कोई एक नेम असाइन कर देना है, कोई ये नंबर 1। अब मैंने ये पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है, ये जो हमारे पास, ये हमारे पास रिलेशन है, यानी कि ये जो मैं ऐसे सर्कल आउट करके बता रहा हूँ, ये आपके पास है अपर सरफेस, ठीक है। ये मैंने ऐसे नीचे राइट भी किया हुआ है ताकि आप सभी स्टूडेंट को आसानी रहे, और ये जो पार्ट आपके पास है, ये जो आपको सर्कल आउट करके बताया जा रहा है, ये आपके पास है लोअर सरफेस, ये मैंने राइट भी किया हुआ है लोअर सरफेस फॉर्म। फिर मैंने ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस को कैलकुलेट किया है, इसी से हमारी आगे ऑनवर्ड बात कंटिन्यू होती है। फॉर अपर सरफेस, अपर सरफेस में हमने ये एक ट्रिक लगानी है, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू कॉस गैमा डी एस, या आप सभी स्टूडेंट माइंड में रखिएगा, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू कॉस गैमा डी एस होगा, और जो कॉस गैमा होगा ये ऑलवेज इक्वल टू होता है प्रोजेक्शन की फॉर्म में, यानी कि एन हैड डॉट के हैड, जो गैमा एंगल होता है वो यूनिट वेक्टर के हैड के लिहाज से लाई कर रहा होता है, और यूनिट नॉर्मल एन हैड है, इसलिए एन हैड का डॉट प्रोडक्ट के हैड के लिहाज से होगा, और अपर सरफेस ऑलवेज बी इन सेंस ऑफ पॉजिटिव फॉर्म, सो दैट्स इट, कि हमारे पास ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल अपर सरफेस होगी वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही होती है, पॉजिटिव पार्ट की तरफ उसका मूवमेंट है अपर सरफेस का, सो इसलिए हम कॉस गैमा की वैल्यू को राइट कर दिया एन है डॉट के है, और अपर सरफेस की वजह से इसका जो साइन आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और ये डी एस एज इट इज, जस्ट आप ये माइंड में रखना है कि यहाँ पर साइन किस लिहाज से आएगा, ये आपके पास अपर सरफेस की वजह से यहाँ पर हमने पॉजिटिव राइट कर दिया है। फिर उसके बाद हम लोअर सरफेस की बात करेंगे, लोअर सरफेस के लिए भी यही पैटर्न यूज करना है, डी एस डी वाई इक्वल होगा कॉस गैमा डी एस, और यहाँ पर जो कॉस गैमा है वो इक्वल होता है एन हैड डॉट के हैड इंटू डी एस, जैसे हमने ये राइट किया हुआ है वैसे ही हमने ये राइट कर देना है, जस्ट हमने ये नेगेटिव की बात करनी है, ये नेगेटिव कैसे आता है, ये जो लोअर सरफेस है ये आपके पास डाउनवर्ड मूव करता है, लोअर सरफेस जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो वो नेगेटिव पार्ट की तरफ उसकी मूवमेंट होगी, नेगेटिव पार्ट की तरफ मूवमेंट की वजह से वो नेगेटिव साइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अपर सरफेस ऑलवेज इन पॉजिटिव, लोअर सरफेस ऑलवेज बी इन नेगेटिव, ठीक है, ये आप सभी स्टूडेंट माइंड में रखिएगा। जब हम कोई नंबर 1 में इस डी वाई डी एस की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा एन हैड डॉट के हैड इंटू डी एस, यानी ये देख सकते हैं डी एस डी वाई, डी एस डी वाई है, तो इसकी वैल्यू आप ये पुट कर देंगे क्वीन नंबर 1 में, यानी कि इसकी जगह, और जब आप लोअर सरफेस की बात करें डी एस डी वाई, तो ये माइनस इंटू एन हैड डॉट के हैड इंटू डी एस की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे
ये आपके पास यहाँ पर जो आपको सर्कुलेट करके बताया जा रहा है कोई नंबर वन है, तो ये इस तरह का सेंस हो जाएगा कि ट्रिपल इंटेग्रल एट बी पार्शल ए थ्री ओवर पार्शल जी इंटू डी वी इक्वल होगा डबल इंटेग्रल एट प्रोजेक्शन आर ए थ्री इंटू ए थ्री के साथ ना एक्स वाई एक्स कोमा वाई कोमा एफ वन भी था, बट आप इसे स्किप करके भी राइट कर सकते हैं, वो ए थ्री के ही इक्वल होगा, ठीक है। और डी एस डी वाई की जो वैल्यू है वो है एन हैड डॉट के हैड इंटू डी एस, ठीक है। प्लस यहाँ पर नेगेटिव आना था लेकिन वो हमारे पास डी एस डी वाई की जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो नेगेटिव की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट आपको पॉजिटिव करके राइट किया होगा। और डबल इंटेग्रल एट प्रोजेक्शन आर, ठीक है, ए थ्री इंटू एक्स कोमा वाई कोमा एफ टू आएगा, लेकिन आप उसको स्किप करके जब राइट करना हो तो लिख सकते हैं ओनली ऑन ए थ्री इंटू डी एस डी वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है वो थी, वो आप देख सकते हैं माइनस इंटू एन हैड डॉट के हैड इंटू डी एस, और नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पर हमने वैल्यू राइट की वो है एन हैड डॉट के हैड इंटू डी एस। फिर उसके बाद आपने ना यहाँ पर ये हमारे पास है अपर सरफेस, अपर सरफेस के लिए आपको आइडिया है कि हम डबल इंटेग्रल जो प्रोजेक्शन है वहां पर हम एस वन की बात करेंगे फार फार अपर सरफेस के लिए, और जब हम लोअर सरफेस की यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर लोअर सरफेस के लिए जो प्रोजेक्शन आर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ओनली ऑन एस टू में। ये यहाँ पर एस वन किस किस साइन को शो कर रहा है, फार अपर सरफेस, और यहाँ पर डबल इंटेग्रल में एस टू किस बात को शो कर रहा है, फार लोअर सरफेस, ठीक है। ये अपर सरफेस है और ये हमारे पास लोअर सरफेस है, जब आप अपर सरफेस प्लस लोअर सरफेस को कंबाइन करेंगे ये आपके पास जनरल सरफेस आ जाएगा, जनरल सरफेस यानी कि एस वन एस टू क्लोज हो जाएगा, ओनली ऑन एस रह जाएगा। तो आप देखें ये हमारे पास ट्रिपल इंटेग्रल एट वॉल्यूम वी पार्शियल ए थ्री और पार्शियल सी इंटू डी वी एज इट इज हमने राइट किया इक्वल है, ये जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये आएगा डबल इंटेग्रल एट एस, इट्स मीन सरफेस इंटेग्रल यानी डबल इंटेग्रल एट एस ए थ्री इंटू एन हैड डॉट के हैड इंटू डी एस, यानी कि कंप्लीट यही बात आएगी ए थ्री इंटू एन हैड डॉट के हैड इंटू डी एस, जस्ट आपने एस वन एस टू जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस था इसको आपने क्लोज करके राइट कर दिया, तो ये हम ओनली ऑन ऐसे सरफेस की अब बात कर दी। ये हमारे पास आ गया कोई नंबर टू नेम, इसको आपने कोई नेम दे दिया, ये हमारे पास कोई नंबर टू आ गई है। ऑनवर्ड हमने सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट जो वेक्टर्स होंगे उनके भी आपने पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेने होते हैं, लेकिन हम उसे सिमिलरली करके राइट करेंगे, यानी कि ट्रिपल इंटेग्रल एट बी पार्शल ए थ्री ओवर पार्शल सी इंटू डी वी इक्वल है डबल इंटेग्रल एट एस ए थ्री इंटू एन हैड डॉट के हैड इंटू डी एस, ये तो हो गया ना ए थ्री वेक्टर के लिए। और जब हम ए टू वेक्टर की बात करेंगे ये आएगा ट्रिपल इंटेग्रल एट बी पार्शल ए टू ओवर पार्शल वाई इंटू डी वी इक्वल है सरफेस इंटेग्रल एट एस ए टू इंटू एन हैड डॉट ए टू वेक्टर के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है जे हैड इंटू डी एस, और ए टू वेक्टर के लिए हमारे पास पार्शल डेरिवेटिव होगा पार्शल ओवर पार्शल वाई, तो इसको हम नेम असाइन करने लगे हैं कोई नंबर थ्री। एंड आल्सो अब हम ए वेक्टर के लिए ये रिलेशन फाइंड करेंगे, ये होगा ट्रिपल इंटेग्रल एट वॉल्यूम वी, ये होगा पार्शल ए वन, ए वन के लिए हमारे पास पार्शल डेरिवेटिव एक्स क्लास से होता है पार्शल ए वन ओवर पार्शल एक्स इंटू डी वी इक्वल होगा सरफेस इंटेग्रल एट एस यानी डबल इंटेग्रल एट एस ए वन इंटू एन है डॉट, और ए वन वेक्टर के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा आई हैड, तो ए वन इंटू एन हैड डॉट आई हैड इंटू डी एस, इसको हमने कोई नंबर फोर नेम असाइन कर देना है। अब हम क्या करेंगे, कोई नंबर टू और कोई नंबर थ्री और कोई नंबर फोर को हम ऐड करेंगे, देन हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो एडिंग टू थ्री एंड फोर सो वी गेट, तो ट्रिपल इंटेग्रल एट वॉल्यूम वी ये हो जाएगा पार्शल ए वन ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल ए टू ओवर पार्शल वाई प्लस पार्शल ए थ्री ओवर पार्शल जी इंटू डी वी वेक्टर, तो ये इक्वल हो जाता है सरफेस इंटेग्रल एट एस ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के डॉट एन हैड इंटू डी एस, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का रिलेशन कंबाइन करके बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये इस तरह का ब्रैकेट में रिलेशन बना हुआ है ये एक्चुअली आपके पास डेल ऑपरेटर का ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर है, तो वो मैंने ऑनवर्ड इस ब्रैकेट वाले पार्ट को क्लोज करके राइट करना है। तो ये ट्रिपल इंटेग्रल एट वॉल्यूम वी है, तो ये जो आपके पास ब्रैकेट वाला ये जो आपको सर्कल आउट करके बताया जा रहा है ये आपके पास होगा डेल डॉट ए वेक्टर, ठीक है, और डी वी आपके पास एज इट इज आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद इक्वल होगा सरफेस इंटेग्रल एज इट इज होगा, और ये हमारे पास जो ब्रैकेट में है ये ओनली ऑन ए वेक्टर की बात हो रही है। ए वेक्टर इक्वल होता है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के हैट, वही हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है। ये ए वेक्टर है और उसके बाद डॉट एन हैट डी एस एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है ना, डॉट एन हैट इंटू डी एस। तो फाइनली ये जो बॉक्स में आपको फॉर्मूला राइट करके अंडरस्टैंड करवा दिया गया है, दिस इज नोन एज गॉस फॉरवर्ड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये आपके पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया। तो फाइनली हैंस आपने एंड पे कंक्लूजन भी राइट करना हैंस विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड कम्प्लीटली प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को कम्प्लीटली प्रूव कर दिया है। तो होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी और अच्छे अंदाज में आपको समझाया जाएगा। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।